दोस्तों आज हम ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। नेपाल से हमारा एक ऐसा नाता है जहाँ हम बिना किसी वीजा पासपोर्ट के घूम कर आ सकते हैं। यकीनन इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है, लेकिन इसके साथ साथ इस देश से जुड़े कुछ फैक्ट्स व्यक्ति को और भी अधिक अचंभित करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको नेपाल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो यकीनन आपको भी बेहद अच्छे लगेंगे। आप देख रहे हैं डैज़न ट्रैवल्स, चलिए सफर शुरू करते हैं। नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को कई तरह की छूट मिलती है। यहाँ पर एक महिला एक ही समय पर कई पुरुषों के साथ विवाह का संबंध रख सकती है। नेपाल देश में ये पूरी तरह से मान्य है। नेपाल में कुंवारी लड़कियों की पूजा करने की परंपरा है। यहाँ तक कि इस देश में एक कुमारी मंदिर भी है जिसकी लोगों के बीच बहुत अधिक मान्यता है। दरअसल इसके पीछे भी एक किस्सा है। एक बार नेपाल में बहुत ही भीषण भूकंप आया था जिससे पूरा नेपाल ही क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन कुमारी देवी के मंदिर के आसपास की जगह को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई। इसके बाद से ही वहाँ पर नवरात्र के समय कुंवारी लड़कियों का पूजन किया जाने लगा। समय में है पीछे, समय के मामले में नेपाल दुनिया के अन्य देशों से थोड़ा पीछे है। दरअसल नेपाल का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं चलता बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिसके कारण यहाँ का समय यूटीसी अर्थात विश्व मानक समय से करीबन 45 मिनट पीछे है। ऐसे में अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको वहाँ पर अपनी घड़ी 45 मिनट पीछे करनी होगी। हम सभी अपना स्वतंत्रता दिवस बेहद ही जोश के साथ मनाते हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। जी हाँ, नेपाल दक्षिण एशिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, लेकिन फिर भी ये देश कभी किसी अन्य देश या साम्राज्य का गुलाम नहीं रहा। ऐसे में जब इस पर कब्जा ही नहीं हुआ तो आजादी का कोई सवाल ही नहीं रहा, इसलिए वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया जाता है। लेकिन हाँ, इस देश में 20 सितंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आमतौर पर नेपाल के पर्वत हमेशा ही दुनिया में लोगों को आकर्षित करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल ऊंचाई और गहराई दोनों में एक बेहतरीन क्षेत्र है। यहाँ पर 4375 मीटर गहरी काली गंडकी घाटी है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी कहा जाता है। ये घाटी काली गंडकी नदी द्वारा बनाई गई है। आपको बता दे, आज तक नेपाल में कभी भी दंगे नहीं हुए। सैकड़ों की संख्या में जातीय समूह और भाषाओं के होने के बावजूद नेपाल में कभी दंगे नहीं हुए हैं और न ही कोई रक्तपात हुआ है। ये तो अपने आप में ही सुखद बात है। नेपाल एक ऐसा देश है यहाँ 80% से ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं। यहाँ के लोग काफी धार्मिक होते हैं और दूसरे धर्मों को बहुत सम्मान देते हैं। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 2,93,00,000 लोग निवास करते हैं। यहाँ की जो करेंसी है वह नेपाली रुपया है, जहाँ इंडियन 100 रुपए नेपाल में 160 रुपए के बराबर है। शायद आपको ये पता नहीं होगा, नेपाल की गिनती उन देशों में होती है जहाँ सस्ते में घूमा जाता है, वे भी बिना वीसा पासपोर्ट के। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का झंडा आपको दो त्रिभुज आकार में दिख जाएगा। ऊपरी त्रिकोण में चंद्रमा की फोटो है, जबकि निचले त्रिकोण में नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के दो प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य है। हालांकि इस झंडे को 1962 में स्थापित किया गया था। डिजाइन 2000 साल पुराना कहा जाता है। नेपाल का ये झंडा हिमालय का भी प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए डैज़न ट्रैवल्स के साथ बने रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास किसी विशेष विषय पर कोई सुझाव या सवाल है तो कृपया कमेंट्स में हमसे साझा करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।